वाले ये है नवनीत अग्निहोत्री। बचपन से ही बेहद शैतान और घुमक्कड़ किस्म के व्यवहार के लिए हमेशा माता पिता से डांट खाते आए। अपने इसी बर्ताव के चलते पढ़ाई लिखाई में भी बेहद सुस्त रहे। वहीं 16 साल की उम्र के इस पड़ाव पर एक मोड़ ऐसा आया जिसके बाद नवनीत का 10वीं के बाद पढ़ाई लिखाई से मन हट गया। माता पिता बेटे के भविष्य को लेकर बेहद चिंतित रहने लगे और फिर एक दिन नवनीत अपने परिवार वालों के साथ शिरडी साईं के दरबार में दर्शन के लिए पहुंच गए। लेकिन भगवान के प्रति नवनीत में कभी कोई आस्था ही नहीं थी, जिसके चलते नवनीत साईं बाबा से ये पूछ बैठा कि प्रभु मेरे भविष्य में क्या लिखा है। मेरी बाबा में कोई खास आस्था नहीं थी उस समय भी। तो मैंने बाबा की तस्वीर की तरफ देखा, मैंने कहा बाबा मेरे जीवन का मकसद क्या है, मैं क्या करने आया हूँ दुनिया में, ना मैंने ढंग से पढ़ाई की, मैं करूँगा क्या जिंदगी में, क्यों आया क्यों हूँ दुनिया में, एक क्वेश्चन किया, कुछ मांगा नहीं मैंने। तो बस उसके बाद हम लोगों की वापसी, हम ट्रेन में हम वापसी आ रहे थे, पूरे डब्बे के अंदर ट्रेन में वो स्केच घूमने लग गया, सब ने देखा, सब मिलने आ रहे हैं, किसने बनाया किसने बनाया। एक बच्चा जिसको अप्रिसिएशन ना कभी मिली हो, उसके लिए अप्रिसिएशन जैसे धूप के अंदर लू चल रही है और एक पेड़ के नीचे आप खड़े हो जाते हैं, तो ऐसी एक फीलिंग आई कि इतना सा काम किया और इतना लोगों ने अप्रिशिएट किया। मैंने एक और बनाया, वो भी बहुत अप्रिशिएट हुआ। फिर दिल्ली आके मैं अपनी लाइफ में फिर वैसे ही मस्त हो गया। वो एक ऐसा पल था जिससे नवनीत की चित्रकारी की शुरुआत हुई। फिर क्या था, पिता वाईडी शर्मा अग्निहोत्री ने अपने बेटे के इस हुनर को उसकी पहचान बनाने की ठान ली और उसे प्रोफेशनल तरीके से आगे बढ़ाने के लिए फाइन आर्ट्स में एडमिशन दिलवा दिया। ये साईं बाबा की कृपा ही थी कि जिसकी बदौलत नवनीत को इतनी कामयाबी मिली कि उसने पूरे कॉलेज में टॉप किया और साथ ही साईं राम की पेंटिंग भी मंदिरों के लिए बनानी शुरू कर दी। मैं पेंटिंग करता रहा, उसके बाद दूसरी बनाई, तीसरी बनाई। अब शुरुआत ऐसे हुई कि रोहिणी मंदिर के फादर साहब ट्रस्टी थे, तो उनकी मीटिंग थी घर पे मंदिर की, तो वो लोग घर आए तो उन्होंने सारा काम देखा। वो कहते हैं कि आप बेटे हम मंदिर के लिए पेंटिंग्स बनाओ। तो उन्होंने सबने मुझे हौसला दिया, कह रहे बनाओ, जैसे बनाओगे हम लगा देंगे। उन्होंने मुझे मटेरियल ले दिया, कलर्स ले दिए और मैंने पेंटिंग्स बनानी शुरू कर दी मंदिर के लिए। साल 2000 के जून महीने की वो 18 तारीख, वो एक ऐसा दिन था जिसने नवनीत को छोटे चित्रकार से एशिया की सबसे बड़ी साईनाथ की पेंटिंग्स बनाने वाले की उपाधि दिलवाकर लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम दर्ज करवा दिया। रातों रात नवनीत एक आम इंसान से स्टार बन गया। उसकी बनाई गई पेंटिंग्स की तारीफ अखबारों और टीवी चैनलों पर होने लगी। ये साईं राम की कृपा ही तो थी जिसने एक फेल होने वाले छात्र को उसी विषय का एक्सपर्ट बना दिया। पूरा मीडिया का तांता लग गया जब पेंटिंग की लॉन्चिंग थी, पूरा प्रिंट मीडिया, पूरा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कवर करने के लिए आया और उस पेंटिंग को इतनी हाइप दी उन्होंने कि हर रोज इंटरव्यू आने शुरू हो गए चैनल्स पे। एक इमेजिन कीजिए, जैसे एक आर्टिस्ट के लिए एक ऑस्कर अवार्ड सबसे बड़ा अवार्ड होता है एक एक्टर के लिए, ऐसा ही एक साईं भक्त के लिए उसकी पेंटिंग बनी हुई शिरडी में लग जाना किसी ऑस्कर से कम नहीं है। आज नवनीत 32 साल के हो चुके हैं जिनकी पूरे विश्व के अलग अलग मंदिरों में 114 पेंटिंग्स लगी हुई हैं। पिछले 15 सालों से इस साईं भक्त पर बाबा की अटूट कृपा बनी हुई है और नवनीत के मन में साईं राम के प्रति इतनी श्रद्धा भाव है जिसके लिए वो अपना पूरा जीवन समर्पित कर देना चाहते हैं। साईं शक्ति सबसे बड़ी शक्ति है और साईं का नाम जब जब उसके भक्त ने सच्चे दिल से पुकारा है तब तब उसका कल्याण हुआ है। जय साईं राम। ब्यूरो रिपोर्ट, जन संदेश। तो साईं बाबा ने अपने एक भक्त पर ऐसा चमत्कार किया कि वो लड़का जो कभी ड्राइंग में शून्य अंक लाता था वो साईं बाबा की बेहद खूबसूरत पेंटिंग्स बनाने लगा। विशेष में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं और ब्रेक के बाद भी जारी है सबके दाता साईं राम। तुझ में ही सबको पाके, तुझ में ही मन रमा के,
मैं तुम्हीं से साईं बाबा, मैं तुम्हीं से साईं बाबा। सबके दाता साईं राम। तुझ में ही सबको पाके, तुझ में ही मन रमाके, मैं तुम्हीं से साईं बाबा, मैं तुम्हीं से साईं बाबा। सबके दाता साईं राम। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारी इस खास पेशकश सबके दाता साईं राम में। सुषमा गुप्ता के परिवार पर साईं बाबा की अपार कृपा है। साईं बाबा ने खुद उनको दर्शन दिए। इतना ही नहीं, एक दिन घर में पूजा के समय बाबा की माला के अचानक लंबे हो